दोस्तों मेरे पीछे जो टीवीएस रेडियोन BS6 बाइक खड़ी है, इस बाइक की जब मैंने टेस्ट राइड शुरू की थी तो ये बाइक मात्र 5 किलोमीटर चली थी, लेकिन अब ये बाइक 304 किलोमीटर चल चुकी है। मतलब कि मैंने इस बाइक को 299 किलोमीटर, मतलब कि आप कह सकते हैं कि मैंने इसको 300 किलोमीटर दोस्तों चला लिया है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि मुझे ये बाइक चलाने में कैसी लगी, मुझे इस बाइक में क्या खूबियां लगी हैं, साथ में मुझे इस बाइक में क्या कमियां लगी हैं, क्योंकि मैंने व्यक्तिगत इसको 300 किलोमीटर दोस्तों चला लिया है और मैंने इसकी माइलेज भी टेस्ट की है, जिसमें इस बाइक ने काफी अच्छा माइलेज दिया है। और आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी है। और उस वीडियो में कुछ लोगों के मन में कुछ शंकाएं थी, जिससे उन लोगों ने कमेंट किया, तो मैं उनके कमेंट का जवाब भी दूंगा। साथ में मैं आपको इस बाइक की प्राइस, माइलेज, इसमें कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं, साथ में टेस्ट राइड की पूरी जानकारी दूंगा। मतलब कि जब आप एक बाइक खरीदने वाले होते हैं तो जो चीज आप उसमें ढूंढ रहे होते हैं वो सारी चीजें मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा, जिससे आपको कंप्लीट जानकारी मिल सके TVS रेडियोन BS6 के बारे में दोस्तों। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर करें, साथ में आप हमारे चैनल को बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके दोस्तों। और आप इस वीडियो को शेयर करें जिससे और भी लोग जान सकें। तो दोस्तों जब आप एक 100 cc की या 110 cc की बाइक खरीदते हैं तो सबसे पहले आप उसकी प्राइस पर ध्यान देते हैं कि कहीं वो ओवर प्राइस तो नहीं है। फिर आप उसके फीचर्स पर ध्यान देते हैं कि जो बाइक आप खरीदने वाले हैं उसमें और बाइकों की अपेक्षा ज्यादा फीचर्स हैं या फिर नहीं है। फिर आप उसकी माइलेज पर, स्पेक्स पर या टेस्ट राइड पर ध्यान देते हैं कि बाइक सही चल रही है या फिर नहीं चल रही है। तो सबसे पहले हम प्राइस की बात कर लेते हैं इस TVS रेडियोन BS6 की। अगर आप इसके स्टैंडर्ड मॉडल को लेते हैं तो लगभग ये बाइक आपको 58,000 से 59,000 रुपए एक्स शोरूम प्राइस में पड़ेगी, और अगर आप टॉप मॉडल लेंगे तो लगभग 62,000 रुपए एक्स शोरूम प्राइस में पड़ेगी। अगर हम ऑन रोड प्राइस की बात करें तो लगभग 77,000 रुपए में इस बाइक का स्टैंडर्ड मॉडल, या 76,000 रुपए में, और अगर टॉप मॉडल की बात की जाए तो लगभग 78,000 या 79,000 रुपए में ये बाइक आपको ऑन रोड प्राइस में मिल जाएगी। और बराबरी की बात की जाए तो स्प्लेंडर प्लस 100 cc की बाइक लगभग आपको 77,000 रुपए में मिलती है, जो कि इसके बराबर में है, और पैशन प्रो इससे थोड़ी सी ज्यादा महंगी मिलती है। अब आप लोग कहेंगे कि मैं कंपेयर कर रहा हूं जिससे मैं आप लोगों को बता सकूं कि ये बाइक सस्ती है, तो ऐसा नहीं दोस्तों। मैंने दोनों बाइकों के प्राइस इसलिए बताए जिससे आप लोगों को पता चले कि ये बाइक सस्ती है या फिर महंगी है। अब आप इसके फीचर्स भी जान लें जिससे आपको पता चले कि इस बाइक में आपको फीचर्स क्या मिलते हैं। तो अगर आप इस बाइक को फ्रंट से देखेंगे तो आपको इसमें LED DRL तो मिलेंगे ही, साथ में इसमें आपको क्रोम फिनिश दिया गया है जिससे ये बाइक थोड़ी सी ज्यादा अच्छी लग सके। और अगर आप फ्रंट से देखेंगे तो इसकी डिटेलिंग पर और काम किया गया है। जैसे आप इसके साइड व्यू मिरर को देखेंगे तो वो भी आपको क्रोम में मिलते हैं, और अगर आप इसके क्लच लीवर और ब्रेक लीवर को देखेंगे तो वो भी आपको क्रोम में मिलते हैं, जैसा कि आपको अपाचे में मिलते हैं वैसे ही इसमें दिया गया है, जिससे TVS कंपनी ने इसकी डिटेलिंग पर काफी काम किया है जिससे ये बाइक प्रीमियम दिख सके। अब आप इसको साइड से देखेंगे तो साइड से देखने पर इसमें टैंक पैड भी दिए गए हैं, साइड पैनल पर भी आपको इसमें क्रोम फिनिश मिलेगा जिससे आपको ये बाइक थोड़ी सी ज्यादा प्रीमियम फीलिंग दे सके। लंबी सीट है इसमें, और साइलेंसर भी आपको क्रोम में मिल रहा है, ट्यूबलेस टायर मिल रहे हैं, और टैंक पैड भी मिल रहा है। और इसका अगर आप मीटर देखेंगे दोस्तों तो उसमें भी आपको क्रोम फिनिश दिया गया है, साथ में कार जैसा डैशबोर्ड इसमें आपको मिलता है, और इसमें आपको मोबाइल चार्जिंग का पोर्ट भी मिलता है दोस्तों। तो ये सारी सुविधाएं इसमें मिलती है, साथ में BS6 इंजन, 110 cc की बाइक जिसमें फ्यूल इंजेक्शन मिलता है, जिसमें आपको माइलेज भी मिल जाएगी। तो मैंने आपको फीचर्स बताए कि 77,000 रुपए की बाइक में या 80,000 रुपए से कम में आपको कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं। माइलेज की बात की जाए तो मैंने कल चेक की थी, 78.33 की माइलेज निकली थी। तो बहुत से लोगों ने कहा कि भाई आप माइलेज ज्यादा बता रहे हो, आप बिक चुके हो, ऐसा है वैसा है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत से लोगों ने टेस्ट किया, जब होंडा SP125 60-65 की माइलेज दे सकती है तो ये 75 से 80 की माइलेज देगी, तो इसमें कौन सी बुराई हो जाएगी। लेकिन चलो मैं मानता हूं कि अगर आपको ज्यादा लग रहा है तो 70 से 75 तक की माइलेज इस बाइक में आपको मिल जाएगी। तो मेरे हिसाब से प्राइस और फीचर्स और माइलेज के हिसाब से ये बाइक सही है। अब हम बात करते हैं कि जैसे इसकी टेस्ट राइड में मुझे इस बाइक में अच्छा क्या लगा और मुझे इस बाइक में बुरा क्या लगा दोस्तों। तो वैसे मैं आपको बता दूं, जैसे बहुत से लोग कह रहे थे कि बाइक ऐसी है वैसी है, बहुत से लोग ऐसा कमेंट करते हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इसमें जो इंजन लगाया गया है वो TVS स्टार सिटी वाला ही है, और TVS स्टार सिटी पहले से ही आ रही है, तो आप जान सकते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस सही रहेगी, परफॉर्मेंस में आपको कोई कमी नहीं
लगेगी। अगर हम बात करें इसके पिकअप की दोस्तों, तो इसमें ओबर स्क्वायर इंजन लगा है, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, और ओबर स्क्वायर इंजन अपाचे में भी लगा है, जिसकी वजह से टीवीएस कंपनी उसको आरटीआर टेक्नोलॉजी बोलती है। तो उसी टाइप का इंजन जब इसमें लगा है तो इसमें आपको पिकअप अच्छा महसूस होगा। 60-70 तक जब आप चलाएंगे तो आपको 60-70 तक तो बिल्कुल महसूस नहीं होगा कि आप उसमें बहुत ज्यादा एक्सेलरेटर दे रहे हैं, क्योंकि मैंने 300 किलोमीटर इसको अच्छी तरीके से चला लिया है। तो ये इस बाइक में पिकअप बहुत ही अच्छा है, और मैंने इसको 80-90 भी भगा के देखा तो वहां पर कोई संघर्ष नहीं कर रही है। और जब से इसमें फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम लगा है दोस्तों, तब से ये बाइक और भी ज्यादा स्मूथ चल रही है और बहुत ही बेहतर तरीके से चल रही है। तो पिकअप की मुझे इसमें कमी नहीं लगी है दोस्तों। अब रही बात, जैसे कि मैंने आपको ओवर स्क्वायर इंजन, अंडर स्क्वायर इंजन, इन सारी चीजों की जानकारी दे दिया है, वहां पर आप जाके देख सकते हैं कि ओवर स्क्वायर इंजन और अंडर स्क्वायर इंजन में क्या फर्क होता है और कैसे सारी चीजें महसूस होती हैं। तो मेरे हिसाब से पिकअप इसका अच्छा है। लाइट मैंने इस बाइक को रात में भी चलाकर देखा, तो एलईडी डीआरएल, अगर आपके बल्ब भी फ्यूज हो जाते हैं तो एलईडी डीआरएल से आप चल सकते हैं, तो लाइट की इसमें आपको कमी नहीं मिलेगी। और मीटर भी जब लाइट जलती है तो ये सारी चीजें इसमें सही चलती हैं। और सुविधा की बात की जाए तो इसमें आपको जैसे कि ये डीआरएल वाली स्विच दी गई है, जिससे आप इसकी लाइट नहीं जलाएंगे तो आपके बल्ब भी नहीं फ्यूज होंगे। तो ये सारी चीजें इसमें मुझे खूबियां लगी। अब यहीं पर एक बार में मैं आपको खूबियां बता दूं, मुझे इस बाइक में काफी अच्छे फीचर्स लगे, मुझे इस बाइक में काफी प्रीमियम फीलिंग आई, क्योंकि इसमें काफी डिटेलिंग में काम किया गया है। सीट इसकी लंबी है, आप अपनी फैमिली में, आप अपनी वाइफ को, दो बच्चों को बिठाकर आराम से जा सकते हैं, मतलब ये फैमिली टाइप भी बाइक है, आप इसको ऑफिस भी लेकर जा सकते हैं। अब आपको मेरी बातों से लग रहा होगा कि मैं बहुत लंबी लंबी फेंक रहा हूं, कुछ ज्यादा बड़ाई कर रहा हूं, अभी मैं आपको कमियां भी बताऊंगा भाई, आप उसको जरूर सुनिएगा। तो ये चीजें जो मुझे लगी वो मैंने आपको बताया, बाकी ट्यूबलेस टायर हैं और टायर भी ऐसे हैं कि आप उसको किसी भी सड़क पर प्रयोग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि मुझे इस बाइक में कमियां क्या लगी दोस्तों। तो मुझे इस बाइक में जो कमी लगी, जैसा कि सबसे पहले आप इसके साइलेंसर का साउंड सुन लें, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों आपने देखा कि इसमें साइलेंसर का साउंड काफी अच्छा है, लेकिन अब यहाँ पर जो यंग जनरेशन है उनको इसके साइलेंसर का साउंड बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि जब वो इसको एक्सेलरेट करेंगे, वो भी खास करके 60 70 80 की स्पीड में, तो जो इसके साइलेंसर का साउंड निकलेगा उससे आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा और चलाने का और ज्यादा आपको मन करेगा। लेकिन जिनकी उम्र थोड़ी सी ज्यादा है, जो मैच्योर हो चुके हैं, अगर वो इस बाइक के साउंड को सुनेंगे तो हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूं, हो सकता है उनको बुरा लगे कि बाइक में थोड़ी सी आवाज ज्यादा है, यहां पर हो सकता है टीवीएस कंपनी थोड़ा सा सुधार करे, थोड़ी सी इसकी आवाज कम करे। एक तो मुझे पहली कमी ये लगी। इसकी ब्रेकिंग में जैसे सिंक ब्रेकिंग है, पीछे की ब्रेक दबाओ तो आगे की लगती है, तो ब्रेकिंग में मुझे ज्यादा कमी तो नहीं लगी, लेकिन मुझे ये फील हुआ कि इसमें अगर पीछे 130 mm का ड्रम दिया जाए तो ब्रेकिंग और ज्यादा कॉन्फिडेंस तरीके से मैं इसमें लगा सकता हूं, मतलब कि मुझे थोड़ा सा ब्रेकिंग और इम्प्रूव होनी चाहिए इस बाइक में, ये चीज मुझे इस बाइक में लगी है दोस्तों। और बाकी तीसरी कमी की बात की जाए, तो जब मैंने इसमें गियर जैसे फर्स्ट गियर से सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे में गियर डाल रहा था, तब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन कभी कभी, जैसे कि हमेशा नहीं, कभी कभी ऐसा हुआ कि जब मैं गियर को न्यूट्रल की तरफ ले जा रहा था, जैसे चौथे से तीसरे में, दूसरे में, पहले में, उस समय मुझे थोड़ा सा हार्ड महसूस हुआ। हो सकता है अभी बाइक बिल्कुल नहीं है, घिसने के बाद, थोड़ा सा चलने के बाद हो सकता है वो स्मूथ हो जाए, लेकिन अभी जो मुझे लगा है दोस्तों वो मैं आपको इसमें बता रहा हूं। बाकी बाइक आगे से आप चलाकर देखेंगे तो ऐसा नहीं कि आपको हल्की महसूस होगी या बबलिंग या इसमें ब्रेकिंग और कट, ये सारी चीजें मुझे इसका सारी चीजें सही लगी, ग्राउंड क्लियरेंस भी सही है, उसमें मुझे कोई बहुत ज्यादा इसमें फर्क नहीं लगा दोस्तों। तो इसमें जो भी प्राइस मिलती है, इसकी जो भी माइलेज है, मैंने आपको क्लियर तरीके से हर चीजें बता दी है दोस्तों। तो दोस्तों इस बाइक का वजन भी 118 किलोग्राम है, इसका मतलब बाइक आपको चलने में हल्की भी महसूस नहीं होगी। और पिछली वीडियो को आपने अगर हमारी देखा होगा तो आपको लगा होगा जैसे मैं कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बता रहा हूं जिससे बाइक बिक सके। तो दोस्तों मुझे पता है कि जिनको पसंद होगी ये बाइक वो खरीदेंगे, जिनको फीचर्स वाली बाइक कम कीमत में चाहिए वो इसको खरीदेंगे, लेकिन जिनको नहीं पसंद है वो नहीं खरीदेंगे। मैं किसी को जबरदस्ती तो बेच नहीं रहा हूं, जो मुझे इसमें लगा है वो मैंने आपको बताया। और अगर आप सही गलत का फर्क पता करना जानते हैं तो आपको लगेगा कि
मैंने आपको बिल्कुल सही बताया है। इसमें मैंने कहीं कोई ना तो ज्यादा बताया है ना तो मैंने कोई भी चीजें इसमें कम बताई है। मुझे जो भी चीजें लगी हैं वो मैंने आपको बताई है, इंजन में या हर चीजों में जो भी चीजें लगी हैं वो मैंने आपको बता दी है। दोस्तों अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, अगर आप संतुष्ट हैं कि मैंने आपको सारी चीजें सही बताई हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप हमारे इस चैनल को बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए, हमारे चैनल पर आने के लिए, बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल पर आने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे दोस्तों, धन्यवाद।